अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इकरा अज़ीज़ और यासिर हुसैन का बेटा कबीर हुसैन जो कि एक साल का हो गया है और कल इकरा अज़ीज़ और यासिर हुसैन ने अपने बेटे कबीर हुसैन की पहली बर्थडे को बहुत ही शानदार तरीके से सेलिब्रेट किया। इकरा अज़ीज़ और यासिर हुसैन ने अपने बेटे की बर्थडे के इवेंट को अपने घर के लॉन में ही अरेंज करवाया था और सिर्फ चंद करीबी दोस्तों को ही इस बर्थडे पर इन्वाइट किया था। बहुत ही डिसेंटली इस बर्थडे को सेलिब्रेट भी किया था। यही वजह है कि जो लोग ऐमन खान को काफ़ी ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाते हैं कि वो अपनी बेटी अमल मुनीब की बर्थडे पर काफ़ी ज़्यादा खर्च करती हैं, करोड़ों रुपया लगा कर अपनी बेटी की बर्थडे को सेलिब्रेट करती हैं और बहुत सारे लोगों को इनवाइट भी करती हैं, उन्होंने इकरा अज़ीज़ और यासिर हुसैन की इस बर्थडे सेलिब्रेशन की काफ़ी ज़्यादा तारीफ की और उनके बेटे कबीर हुसैन की पहली बर्थडे की वीडियोज़ और पिक्चर्स को काफ़ी ज़्यादा पसंद भी किया। इकरा अज़ीज़ और यासिर हुसैन जिनको अपनी शादी के बाद काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा, स्पेशली इकरा अज़ीज़ को, क्योंकि यासिर हुसैन उनसे उम्र में काफ़ी ज़्यादा बड़े थे और इकरा के इस फैसले से उनके फैंस भी नाखुश थे। लेकिन इकरा अज़ीज़ ने इस बात को साबित कर दिया कि उम्र कोई मायने नहीं रखती, अगर इंसान का लाइफ पार्टनर कोऑपरेटिव हो, अच्छा हो, बात समझने वाला हो तो फिर ज़िंदगी बहुत अच्छे तरीके से गुजर जाती है। और यही वजह है कि इकरा अज़ीज़ और यासिर हुसैन की लाइफ जर्नी अभी तक बहुत ही ज़्यादा अच्छी रही और इनके बेटे कबीर हुसैन की पैदाइश की बात से तो दोनों माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा खुश हैं और इसी वजह से उन्होंने अपने बेटे कबीर हुसैन की पहली बर्थडे को भी बहुत ही अच्छे और डिसेंटली सेलिब्रेट किया। लोगों ने तो इकरा अज़ीज़ और यासिर हुसैन की बेटे की बर्थडे की पिक्चर्स और वीडियोस को बहुत ज़्यादा पसंद किया। आपको कैसी लगी ये पिक्चर्स और वीडियोस हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और इकरा और यासिर की बेटे के लिए कमेंट सेक्शन में दुआ लिखकर भेजना मत भूलिएगा। सो वीडियो के लास्ट में आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा।